यहाँ से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन लोग बहुत ज्यादा कैमरे को और मुझे देख सब ब्लैक माल बेचते हैं। सब ब्लैक माल, ब्लैक माल, चोरी वाला, चोरी का माल। ये आईफोन यानी 6000 अफगानी का है, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल हो गया यार, यानी ये चोर मार्केट टाइप का एरिया है, लेकिन यहाँ पे खवातीन प्रॉपर मेकअप करके भी फिर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं इस मौजूद हूँ जलालाबाद में। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली, ये देखें आप, हर मार्केट में लोग इकट्ठे होते हैं, वहीं पे वो जमात करवाते हैं, मतलब जैसे नमाज का टाइम होता है सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। और वहाँ पे नमाज होना शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी चीज है यार, ये नमाज के पाबंद है, कमाल की बात है, और हमें भी करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में हो तो कितनी यार बरकत होगी, महंगाई है वो सब मुश्किलात हल हो सकती हैं यार। मतलब हमारे यहाँ पैसा है लेकिन इत्मीनान नहीं है, यहाँ पे पैसा बेशक नहीं है लेकिन सुकून और इत्मीनान है लोगों में। ये सारी मार्केट है। यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पाकिस्तानी। ओके शुक्रिया। यूट्यूब ना, यूट्यूब शुक्रिया। अब देखिए जैसे तो कहाँ से आया भाई, कहाँ से आया तू? मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से इधर चक्कर चक्कर के लिए आया? हाँ, चक्कर घूमने के लिए आया। कैसा अफगानिस्तान हमारा? अफगानिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कसम से बहुत दिल खुश होता है लोगों से मिलके यार। बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खैर ये सारी मार्केट है खुशक मेवाजात की है, और लोग भी आपने देखे हैं काफी फ्रेंडली हैं। हाँ अलबत्ता एक जगह पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, घेर लेते हैं। ज्वेलरी है सारी, ये ज्वेलरी का मॉल। शायद मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए लेकिन यहाँ पे खवातीन प्रॉपर मेकअप करके भी फिर रही हैं, मैंने वो भी देखा है। मतलब मैं उस चीज़ को नेगेटिव नहीं ले रहा, मैं एक आज़ादी बता रहा हूँ, जो बदनाम किया जाता है वो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि कुछ इस तरह का जोर नहीं है, कोई पाबंदी वो नहीं है जो जो बताई जाती है। और भाई मेरे वाला ज़्यादा आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया हूँ, शुक्रिया मेहरबानी। वो भाई सुन रहा था, बोलते तुम आगे आ जाओ। चले चले जिधर से दिल करता है। यहाँ मैंने देखा कुछ औरतें मेकअप करके भी फिर रही हैं। मेकअप करके, मतलब तालिबान ने पाबंदी नहीं लगाई, कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, मेकअप करके भी खवातीन फिर रही हैं भाई। मतलब मैं दिखाना मुनासिब नहीं समझ रहा लेकिन है। अस्सलाम वालेकुम। चीज को नेगेटिव मत लेना लेकिन लोग खूबसूरत जरूर हैं, अल्लाह ने हुसन दिया इनको भी। वाकई प्लीज डोंट बी नेगेटिव यार, मतलब मैं एक कॉम वाइज बात कर रहा हूँ। जैसे मिस्री लोग भी खूबसूरत होते हैं, ईरानी भी, उसी तरह मुझे लगा है कि अफगानी भी लोग खूबसूरत है। ये भी सारा मार्केट है, लेकिन आपने एक चीज़ देखी है, तालिबान ने वो जो खवातीन की फ्लैक्स लगी हुई थी उनके चेहरे के ऊपर वो पेंट करवा दे ताकि चेहरे नज़र ना आए, बाकी की फ्लैक्स लगी रहे, नीचे वाला धड़ रहे तो कोई मसला नहीं है। बस आप जब भी यहाँ पे आए कोशिश करें, बल्कि कोशिश किया यही करें कि कभी भी खवातीन की वीडियो माती बनाए, बनाए ना, कैमरा नीचे कर लें, यहाँ पे भी खवातीन हो कैमरा नीचे कर लें। ये सारी कपड़े की मार्केट आ गई है, यहाँ पे कपड़ा है, ये चादरें वगैरह जो ऊपर गाउन टाइप ओढ़ती हैं ख्वातीन, कपड़ा होता है ना वो सारा जो है कराची से ही आता है। अच्छा सारा कपड़ा कराची से आता है यहाँ पे, मतलब खुद इधर फैक्ट्री वगैरह नहीं है क्या? नहीं, ईरान से। ये जो चादरें ये तो ईरान से इम्पोर्टेड लग रही है मुझे, ठीक है, और बाकी का कपड़ा भाई बोल रहे हैं कि कराची से इधर आता है, यहाँ पे मकामी नहीं है। क्या इधर फैक्ट्री वगैरह है? नहीं, फैक्ट्री होगी लेकिन उस तरह की नहीं, उस तरह नहीं है, मतलब बहुत कम है। मतलब आप देख लेना किस कदर खवातीन यहाँ पे फिर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, आजाद आना, कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये एक अच्छी चीज है यार। खैर ये जो मार्केट है नाजरीन, ये है मुर्गियों वगैरह की, यहाँ पे मुर्गियाँ, मतलब सारे परिंदे, तितर बटेर मुर्गियाँ वगैरह, ये देखे ये इन्होंने रख रखे यहाँ, ये देखो ये क्या है, ये मुर्गी तो नहीं है कुछ और है। फिल मर्ग पता नहीं इसको क्या ये लोग बोलते हैं, ये उस तरह की है। ये सारी मार्केट है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं सामने,
इधर भी है मुर्गे वगैरह बेच रहे हैं। ये चौक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इस तरफ वो सिमो के ऑफिस भी है, मैं यहाँ पे पहले आया हुआ। ये आपको मिलेंगे 1000, 1200, 1500 अफगानी में, 1000, 1200 अफगानी में, यानी तकरीबन पाकिस्तानी 3-4 हजार में एक पड़ जाएगा। ये 3-4 हजार का एक मिलेगा, रेट तकरीबन सेम है पाकिस्तान से, और ये वाला भी कोई खास डिफरेंट नहीं है। आप भी जानते हैं ये आसान नहीं है व्लॉगिंग, खासकर यहाँ पे, लेकिन मजा भी आ रहा है। तो मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, बहुत अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अभी मज़ार शरीफ वगैरह जाना बाकी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो जो बेल आइकॉन है, मैंने पहले नहीं कहा, मैं भी कह रहा हूँ, वो घंटी को भी दबा लें। क्या बोला कह रहे कि यहाँ पे छोर होते ना, कोई कैमरा से उठा के ना लेके जाए। ये बोल रहा है, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वो बोल रहा है कि यहाँ पे ना चोर वगैरह भी होते हैं, तो इसलिए आपने ख्याल करना है, तो कैमरा आपका छीन के ना ले जाए। मैं कहा अल्लाह खैर करेगा, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। ये फर्नीचर वगैरह की मार्केट आ गई है ना जी? हाँ, फर्नीचर वगैरह बनते हैं यहाँ पे, जो पैसों एक्सचेंज वगैरह होते हैं ना, वो रोडों पे जो बैठते हैं एक्सचेंज वगैरह। हाँ, वो जो एक्सचेंजर के ये इस तरह के फर्नीचर होते हैं, उन्होंने रखे होते हैं, उसके अंदर वो पैसे वगैरह रख के एक्सचेंज करते हैं। यानी वो जो ब्लैक मार्केट होती है, ब्लैक मनी की मार्केट होती है, उनका फर्नीचर यहाँ से तैयार होके जाता है। खैर ये कोई लॉजिक नहीं बनता। कितने मजे से व्लॉग देख रहे हो घर में एंट्रियां लगा के। जब बंदा बाहर निकलता है ना, तब घर का सुकून याद आता है। मुझे याद आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। खैर नाज़रीन, आपने एक चीज सुनी होगी, मुझे तो बहुत ज्यादा सुनने को मिली कि पाकिस्तान से अक्सर जो आईफोन चोरी होते हैं, उनमें से बाज कुछ आईफोन ऐसे भी होते हैं जो जब आई क्लाउड से उनको चेक किया जाए, पता किया जाए, तो वो कहते हैं कि वो जलालाबाद में अफगानिस्तान में चले गए। तो जब मैंने अपने तौर पे उनके ऊपर कुछ तहकीकात की, लोगों से पूछा कि वो कौन सी मार्केट है, कहाँ पे है, तो भाई ने बताया कि कुछ उसमें से दुकानें, कुछ मार्केट्स हैं यहाँ पे, यानी ये चोर मार्केट टाइप का एरिया है। ये देखिए ना कितनी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है। ये रहा। तो मैंने भाई को बोला कि चलो हमें वो मार्केट दिखाओ जहाँ पे वो आईफोन मिलते हैं चोरी वाले, जो पाकिस्तान से आते हैं, वही देखने अब जा रहे हैं। लेकिन काफी लोग इर्द गिर्द में आप देख सकते हैं। क्या क्या मोबाइल बेच रहे हैं? हाँ, ये देख चोर में, ये देखो, ये भाई साहब के पास में मोबाइल, कमाल है यार, है कितने का दिखाओ। ये देखो आईफोन नहीं है, आईफोन नहीं, आईफोन नहीं है, आईफोन हो तो मजा आता है यार। आईफोन में दुकान में चल जा, दुकान में होगा आईफोन। क्या बोलता है कि मार्केट में, मार्केट नहीं है। अच्छा, मेना अच्छा मोबाइल है, अच्छा मोबाइल है, वो तो समझ में, हिमाम वाला है, हिमाम वाला है। ये मोबाइल किधर से लाया? गरीबी है, गरीबी, गरीबी, समझ गया। ये सारा एंड्रॉइड वाला मोबाइल है। हां कुर्बान रकम देने रहो। ये मोबाइल देखे लोग कितने इकट्ठे हो गए यहां पे। मैं गरीबी है, आटा नहीं है, मैं आटा के लिए गरीबी है। हाँ समझ गया। आईफोन नहीं है तुम्हारे पास? आईफोन मेरे पास नहीं है, मेरे घर में आटा नहीं है। आटा नहीं है, अल्लाह रिज़क दे यार। मेरा गरीबी है, मैं समझ गया। बलियाज खुदा मेरे परेशान कर गए। हाँ, गरीबी है। कितने लोग यहाँ पे देखे इकट्ठे हो गए। चलो अब यहाँ से थोड़ा निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया यार। चलो आईफोन की कहीं कोई शॉप देखो ना, आईफोन वाले। ये देखिए यहाँ पे कलेजी वगैरह, ये क्या कलेजी है, आईफोन के अंदर है। चले एक नजर देखे आईफोन को भी। तो अभी भाई को बोला वो आईफोन वाली शॉप पे लेके जा रहा है हमें। ये देखे सारे लोग कितने इकट्ठे हो गए जैसे उन्होंने देखा है। यहाँ पे शायद हमें आईफोन देखने को मिले। भाई जान आईफोन होगा ये रहा आईफोन। ये कौन सा है? आईफोन ये आईफोन 6 रहा नाज़रीन। 11, 12 में नहीं है, 11, 12 में कोई ग्यारह बारह में नहीं है, नहीं है। कौन फ्रूशी है? क्या बोलता है? बहुत बड़ा पीस है। हाँ महंगा है वो ज्यादा। ये कितने का है? अफगानी 6000 अफगानी का। ये आईफोन यानी 6000 अफगानी का है। और ये पीटी है नहीं है, नान पीटी है ना? नहीं नान पीटी। पाकिस्तान में नहीं चलेगा। पाकिस्तान में इस वक्त खूब कार है। एक ये मोबाइल है, ये 4000 रुपये है। इधर 800 रुपये गिरे, 4000 सौदा करते हैं। मतलब कह रहे कि 4000 में आपको सौदा रन कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो खैर वो 4000 में दे रहे, यानी पाकिस्तान तकरीबन पाकिस्तान 12000 रुपये, 12000 में दे रहे। और ये कितने का आपने बताया था? 6000 में।
ये तकरीबन आपको 18,000 में मिल रहा है, नॉन पीटी है। कितने में? 128 GB में नहीं, और 16 GB मेमोरी है इसकी, 16 GB में 12,000 रुपए में मिल रहा है भाई, नॉन पीटी है। और ये भी आईफोन है, ये देखो यार, ओ लड़ाई हो रही है उनको, मतलब इतने लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे, आप देखें मेरे बैक साइड पे भी आपको लोग नजर आ रहे होंगे, और लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा कैमरे को और मुझे देख के ब्लैक माल बेचते हैं। सब ब्लैक माल? ब्लैक माल चोरी वाला है, चोरी का माल, मेरा घर में अटा नहीं है, लेकिन चोरी का माल बेचते हैं। वो बोलते हैं हम चोरी का माल बेचते हैं, से अटा लाओ इजा ये नहीं है। नहीं, मोबाइल चोरी किधर से किया तुमने? ये पुलिस कूट गया है। ये चोरी कहाँ से किया? चलो यार यहाँ से रश ज्यादा करता, लाट माल नहीं है, लाट माल है, लाट माल है। आजो आजो निकलो, कोई इंसिडेंट ना हो जाए यार, जितना यहाँ पे जितनी ज्यादा आवाम इकट्ठी होगी कोई भी कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ से निकलो यार, कहीं और चलते, कोई और मार्केट अब वो देख लेंगे आईफोन है। यार इतने लोग मेरे जिंदगी में नहीं देखे भाई इकट्ठे हो जाए कहीं पे भी, अब तो मैंने शलवार कमीज पहन रखी है भाई, पैंट शर्ट भी नहीं है। अच्छा, लेकिन लोग देखो भाई, एक तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो आ रही थी मैं मानता हूँ, लेकिन डर भी था कि यार मेरे पास भी कुछ है, वो आईफोन करके कुछ है, वो आईफोन 13 Pro Max वो ना छिन जाए भाई। और वैसे भी मुझे रोज रात को ख्वाब आता है कि मेरा आईफोन चोरी हो गया, मैं जल्दी से उठ के देखता हूँ, फिर सोचता हूँ कि नहीं है। भाई मैं गरीब बंदा हूँ, गुर्दे बेच के लिया है, अल्लाह माफ करे, आप लोगों की सपोर्ट थी तो लिया है, वरना मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ यार। फिर ये ख्वाब देखने तो बनते हैं ना कि आईफोन गया, मतलब मैं लोगों को गलत नहीं कह रहा, लेकिन उस टाइम ये फीलिंग आई, तो इसलिए मैंने जल्दी से वहां से निकलने का कुछ करा, भाई यहां से निकलते हैं, यहां से फुटते हैं, वरना को पंगा हो जाएगा, और हो सकता है कि तालिबान आते तो वो भी हमें कुछ सस्पिशियस कहते कि यार ये लोग क्यों इधर इकट्ठा करके खड़े हैं, लोगों को क्या मसला है, क्या बात है ये वो। खैर ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।